में हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हाथरस कांड पर हाजिर हो और यूपी के 5 बड़े अफसर तलब। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देखिए संजय का रुख करेंगे, लेकिन वहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हैं जो कि उत्तराखंड भवन के बाहर मौजूद है जहां पर पीड़ित परिवार रुका हुआ है। हाईकोर्ट के बाहर संजय हैं। संजय आप हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं जहां पर सख्त सुरक्षा चाक चौबंद है। वक्त 2 बजे का है, कैसी सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी वहां पर इस वक्त? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कि हाथरस केस को लेकर के आज बड़ा दिन है और सबसे पहले मैं आपको सिक्योरिटी की व्यवस्था दिखाता हूं कि जिस तरीके से पुलिस मैन चैन बनाई गई है लगातार कि सिक्योरिटी को टाइट किया जाए। जब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार जो है राउंड कर रहे हैं, चाहे ACP हो या फिर ज्वाइंट कमिश्नर हो, ये सारे अधिकारी हैं, जो DCP ईस्ट है, ये सारे अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। किसी भी आम आदमी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया को भी बैरिकेडिंग करके दूर रखा गया है, जो कोर्ट परिसर से बाहर जो सर्विस लेन है। तो सुरक्षा के उत्तराखंड भवन से लेकर के और हाई कोर्ट के सारे जो गेट हैं उन गेटों पर जो है सुरक्षा का जो जमावड़ा है वो भयंकर तरीके से किया गया है कि पर एकदम किले जैसी घेरेबंदी यहां पर करके रखी गई है। पहला दूसरा ये है कि करीब 2:15 पर ये पूरी सुनवाई शुरू होगी। 45 मिनट की सुनवाई है, हालांकि समय बताया जा रहा है कि बढ़ा दिया जाएगा। पीड़ित परिवार चूंकि पहुंच चुका है उत्तराखंड गेस्ट हाउस में, रेस्ट पर है, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, वहीं से वो रवाना होगा और सीधे हाई कोर्ट पहुंचेगा। फिर यहां पर उन 5 अधिकारी जो यूपी के हैं, चाहे DG हो, LO हो या फिर DGP हो, SES होम हो या फिर SP और जिला अधिकारी, वो सारे के सारे कोर्ट में मौजूद रहेंगे और वहां पर सुनवाई शुरू होगी। शिवांगी जी, और देखिए संजय अब अभिषेक का रुख कर लेते हैं सीधे, क्योंकि अभिषेक वहां पर मौजूद है जहां पर परिवार की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। अभिषेक, सुनवाई तकरीबन 45 मिनट तक चल सकती है, हालांकि वक्त बढ़ भी सकता है। ऐसे में CM से भी आज मुलाकात होनी है, तो क्या परिवार आज स्टे कर सकता है लखनऊ या फिर आज ही रवाना? देखिए, पीड़ित परिवार पहुंच चुका है उत्तराखंड भवन में, इस वक्त कड़ी सुरक्षा के बीच में है और ये माना जा रहा है तकरीबन 1:30 से 2:15 के बीच में यहां से निकल करके परिवार सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने प्रस्तुत होगा। बिल्कुल सटा हुआ है ये हाईकोर्ट परिसर से उत्तराखंड भवन और इसीलिए इस जगह को चुना गया है। और जहां तक बात है कि कितनी देर तक सुनवाई चुनेगी, ये डिपेंड करता है कि सरकार की तरफ से एक्शन टेकन रिपोर्ट जो रखी जाएगी उस पर कितने अधिकारी हैं और कितनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन अमूमन ये माना जा रहा है, जो सरकारी शासकीय अधिवक्ताओं से बात हुई है, तकरीबन 45 मिनट तक इस विषय को डबल बेंच सुनेगी और इस पे सभी पक्षों की जो ऑब्जर्वेशन है, सारी जो बातें हैं, पीड़ित पक्ष को भी हाईकोर्ट यहाँ पर आज सुनेगी। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि उसी दौरान जो यहाँ पर सीनियर अधिकारी मौजूद हैं उन्हीं की निगरानी में जो पीड़ित परिवार है वो मुख्यमंत्री के पास ले जाया जा सकता है, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है। तो ये थोड़ी देर की बात है, अब से कुछ देर में यहाँ से परिवार निकलेगा और हाईकोर्ट में जाएगा और अपनी बात रखेगा। जी अभिषेक, आप संजय का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। हम संजय, देखिए परिवार शायद 2:15 तक वहां पर पहुंच जाए, जैसा कि आपने अभी जानकारी दी है, वो 5 अफसर कब तक पहुंचेंगे जिनको आज तलब किया गया है? बिल्कुल, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का मामला है, कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है, तो अधिकारी भी उसी समय पर एकदम ठीक समय पर कोर्ट पे हाजिर होंगे जिस समय पर पीड़ित परिवार को समय दिया गया है। पहले सबसे पहले पीड़ित परिवार की बात सुनी जाएगी, पीड़ित परिवार की पक्ष को जानने के बाद कोर्ट जो है अधिकारियों का जो उनकी एक्शन रिपोर्ट है वो देखी जाएगी, उसके बाद कोर्ट क्या आगे दिशा निर्देश देता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मैं बताऊं शिवांगी कि उन्नाव में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था तो जाकर के जो पीड़िता है उसको काफी न्याय मिला और जो आरोपी थे उनको उम्र कैद की सजा दी गई और CBI ने भी अपनी रिपोर्ट में वहां के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। कुछ वैसे ही मिलता जुलता ये भी केस है, इसमें भी जो कोर्ट के दिशा निर्देश ये पूरी सुनवाई के बाद निकल करके सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लापरवाही बरती गई उस लापरवाही के क्या मायने थे, क्या वहां के अधिकारी जो है छिपाना चाहते
चाहते थे उस मुद्दों को लेकर के विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से यह पक्ष रखा जा सकता है कि रात में जलाने का फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि दूसरे दिन बाबरी ध्वस्त ढांचे का भी परिणाम आना था, उस परिणाम को देखते हुए इसे जलाया जा सकता है, ऐसा सरकार का अपना पक्ष रख सकती है। लेकिन कोर्ट इस पर अपील कर गया कि हर मामले पर क्या रात को ही जला देना उचित रहेगा, तो ये जो पॉइंट है उस पर सरकार काफी डिफीट आती दिख रही है। देखना कि ये होगा कि कोर्ट क्या डिसीजन लेके निर्देश जारी करता है। जी संजय बिल्कुल, आप देखिए अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक देखिए, आज पीड़ित परिवार की सिक्योरिटी को लेकर तमाम बातें उठी लेकिन सिक्योरिटी टाइट देखिए हमें, लेकिन आज जब ये सुनवाई हो जाएगी तो क्या मीडिया के सामने भी परिवार आ सकता है, क्या मीडिया से बात करने की अनुमति दी जा सकती है इस परिवार को? देखिए फिलहाल ये कह पाना बहुत ही प्री मेच्योर होगा, अभी बहुत जल्दीबाजी हुई ये कहना, क्योंकि अभी फिलहाल परिवार किसी से बात नहीं कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज हाथरस के सुपरविजन में उनको लाया गया है यहाँ पे, और ऐसे में फिलहाल किसी से बात नहीं की जा रही है, किसी से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। पीड़ित पक्ष सीधे हाईकोर्ट के डबल बेंच के सामने जाएगा और अपनी बात रखेगा, लेकिन उसके बाद भी क्या यह संभव है कि उनका उनको प्रेस के सामने जाने दिया जाए, ये फिलहाल अभी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट जज हाथरस के ही सुपरविजन में उनको वापस भी ले जाना है। तो ऐसे में फिलहाल वो न्यायिक अभिरक्षा में, इसको कहा जा सकता है कि न्यायिक नियंत्रण में है, तो ऐसे में फिलहाल वो किसी को सामने बयान दे पाए ये संभव नहीं है। फिलहाल संभव इतना है कि वो सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में डबल बेंच के सामने जाकर के अपनी पूरी बात रखेंगे। जी अभिषेक, और देखिए संजय का रुख कर लेते हैं। संजय देखिए, पीड़ित पक्ष की तरफ से क्या कोई आज यहाँ पर वकील हो सकता है जो उनकी बातें सामने रखे, क्योंकि सरकार की तरफ से तो वकील नियुक्त है। बिल्कुल, पीड़ित परिवार के भी का पक्ष रखने के लिए सीधे तौर पर कोर्ट ने व्यवस्था की है, हालांकि वो नाम खुल करके अभी सामने नहीं आ पाया है शिवांगी की वो कौन सा पर्टिकुलर नाम होगा, लेकिन कोर्ट ने जब सुनवाई के लिए बुलाया है तो पूरी व्यवस्थाएं उनके की गई हैं कि उनका पक्ष किस तरीके से, जो क्योंकि कोर्ट की अपनी एक रूलिंग होती है, एक शेड्यूल सिस्टम होता है कैसे बात को रखा जाए, तो उसको देखते हुए जो प्रोटोकॉल है कोर्ट का वो पूरा किया गया है, उसके कोरम को पूरा किया गया है। तो जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं वो अपने तरीके से उस पूरे मामले को संज्ञान पे रखेंगे, वहाँ के जिला प्रशासन ने किस तरीके से फर्स्ट डे से और अभी तक क्या क्या कार्रवाई की और किस तरीके से उन्हें धमकाया गया, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स पर तमाम चीजें खुल करके आई कि वहाँ के जिलाधिकारी ने लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया, स्थानीय पुलिस ने काफी दिन तक बलात्कार की जो FIR है वो दर्ज नहीं की, जो नाम बढ़ाए जाने थे आरोपियों के वो नहीं बढ़ाए, तो इन सारी बिंदुओं को पीड़ित पक्ष के आरोपों को उस जो है सिलसिलेवार कोर्ट पे रखा जाएगा, और उसके बाद कोर्ट में जो बचाव पक्ष के वकील हैं, जो सरकार के पक्ष के वकील हैं, जो महाधिवक्ता है, वो अपनी बात को रखेंगे कि सरकार ने इन बिंदुओं पर किस तरीके से काम किया है, क्या क्या कमियां रही हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, उस पर अपना वो जवाब रखेंगे। फैसला कोर्ट के हाथ पे है, देखना दिलचस्प होगा कि देर शाम तक ये निर्देश क्या जारी होते हैं। जी संजय, और अभिषेक का रुख हम सीधे कर रहे थे। अभिषेक आज देखिए, जब परिवार मुलाकात करेगा सीएम योगी आदित्यनाथ से, तो क्या सभी लोग उपस्थित रहेंगे उस मुलाकात के दौरान, और क्या इसका वक्त मुकर्रर किया गया है मुलाकात का सीएम से? देखिए फिलहाल कोई वक्त तय नहीं किया गया है, क्योंकि पीड़ित परिवार पहले कोर्ट के सामने जाएगा, अपनी बात रखेगा, ये भी देखना लाजमी होगा कि कितनी देर तक वो कोर्ट में मौजूद रहते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग कितनी देर तक चलती है, और उसके बाद कोर्ट क्या सभी पक्षों को सुनने के बाद कोई निर्णय देता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उस निर्णय पर ही निर्भर करता है कि पीड़ित जो पक्ष है वो कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, उसकी सुरक्षा कैसी होगी, और ये पीड़ित परिवार के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो क्या मिलना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इस बात की व्यवस्था जरूर की गई है, इस बात को इंश्योर किया गया है कि जो सीनियर अधिकारी ACS होम, DGP, ADG लॉ एंड ऑर्डर समेत जितने सीनियर अधिकारी शासन के मौजूद रहेंगे इस प्रोसीडिंग के दौरान, वो पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री तक ले जाना सुनिश्चित करेंगे, ये तैयारी उनकी तरफ से है, लेकिन ये निर्भर करता है कि परिस्थितियां कैसी रहती हैं, और उसके बाद
3 बजे तक माना जा रहा है कि कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगी, इस मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद ही तय होगा कि पीड़ित परिवार क्या सीधे हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री से मिलने जाता है या फिर कोर्ट के किसी निर्णय के आधार पर कोई और फैसला लिया जाता है। जी अभिषेक, देखिए इसके लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। संजय के पास एक बार हम फिर से चलना चाहेंगे। संजय, देखिए आज जब कोर्ट के सामने पेशी होगी तो तमाम वो अफसर भी होंगे जिन पर सवाल खड़े हुए, वो परिवार भी होगा जिस पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो आज जब ये सुनवाई होगी तो क्या लगता है यहाँ पर सरकार ने जो 5 दिन से कहा जा रहा है कि तैयारियां की हैं, वो कैसी तैयारियां हो सकती हैं और आज उनका इफेक्ट कैसा पड़ सकता है? बिल्कुल, जिस तरह की आज ये दिन मुकर्रर था कि कोर्ट ने शो मोटिव लेते हुए पूरे मामले को आज सुनवाई होनी थी, तो ऐसे में लगातार जिले के अधिकारी से लेकर के मुख्यालय के अधिकारी तक पूरी तैयारी में थे कि जिन सबसे पहले जिन बातों का आरोप लग रहा था उन बातों को कैसे यहाँ पर काउंटर किया जाएगा उसको लेकर के तैयारियाँ, क्योंकि सारे दस्तावेज कार्रवाई क्या की गई है, सिर्फ जो फर्स्ट डे से किस तरीके से स्थानीय पुलिस से लेकर के और मुख्यालय में बैठे अधिकारियों तक ने क्या दिशा निर्देश दिए थे, किस तरीके से किस प्रणाली के तहत इस कार्रवाई में लेट हुआ था, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जो आरोप लगे थे उनका आरोप का प्रत्यारोप सरकार पक्ष से अपना तैयार कर रहा था कि उसको किस तरीके से कोर्ट के सामने समक्ष पेश किया जाए जिसे कोर्ट को संतुष्ट किया जा सके कि पीड़ित के न्याय के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो उसके न्याय के लिए उठाए हैं, आरोपियों को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि सरकार पर सीधे आरोप लग रहा था कि जो है चाहे विपक्ष हो या कहीं ना कहीं मीडिया, ये सवाल लगातार उठा रहा था कि सरकार बचाने का प्रयास कर रही है, यही वजह है कि 8 दिन बाद FIR में नाम दर्ज होता है और लास्ट समय तक एडीजी कानून जो व्यवस्था है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ, सीमेल नहीं प्राप्त होते हैं, तो इन तमाम आरोपों को कैसे कोर्ट में सही साबित किया जाए कि ये कार्रवाई जो की गई थी वो सरकार की जेन्युइन कार्रवाई थी। बिल्कुल संजय, और देखिए आप सीधे अभिषेक के पास चलना चाहेंगे। अभिषेक, देखिए आज परिवार क्या जब वहां पर पहुंचा तो आपको उतना वो आश्वस्त दिखा सुरक्षा को लेकर, जैसा कल उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमें सुरक्षा की दृष्टि से रात में जाना सही नहीं लगता है, हम रात में नहीं जाएंगे, आज वो सिक्योरिटी उतनी मजबूत थी जिसकी वजह से वो आज महसूस कर रहे थे सुरक्षित खुद को? देखिए हाथरस से ही पीड़ित परिवार को डिस्ट्रिक्ट जज हाथरस की निगरानी में लाया गया है यहाँ पे और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। एस्कॉर्ट की 6 गाड़ियां फ्लीट में लगातार चल रही थी और जितने भी रास्ते थे, जितने भी जिलों की पुलिस थी वो लगातार हाईवेज पर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा के साथ चूक ना हो सके। लखनऊ में आते के साथ ही लखनऊ कमिश्नरेट ने, लखनऊ पुलिस ने इस पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है और जहां मैं खड़ा हूं यहां से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर उत्तराखंड भवन है। उत्तराखंड भवन को रेस्ट हाउस में तब्दील किया गया है आज लखनऊ पुलिस की तरफ से, वहीं पर पीड़ित परिवार को रखा गया है। इस पूरे रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही है, तो सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत है और ऐसे में आज जब पीड़ित परिवार जाएगा भी है कोर्ट के सामने तो इस बात को बताएगा कि उनकी सुरक्षा कैसी है, क्योंकि हाथरस में भी उस गांव में जहां पर पीड़ित परिवार का घर है वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, वहां पर सीसीटीवी सर्वेलांस किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है, एक पूरी फोर्स वहां पर तैनात है, तो पीड़ित परिवार इन सब तमाम बातों को जो 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 सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है सुरक्षा उसको भी कोर्ट के सामने बताएं। चलिए आप दोनों वहां पर लगातार नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए आज ये बहुत अहम दिन है हाथरस मामले को लेकर और आज जिसको लेकर सुनवाई होगी, आज क्या कुछ फैसला कोर्ट लेती है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ देखिए वो तस्वीर जहां पर उत्तराखंड भवन, जहां पर परिवार इस वक्त रुका हुआ है, काफिले में परिवार जब पहुंचा लखनऊ के लिए, जब वो काफिला लखनऊ की तरफ बढ़ रहा था तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ हाईकोर्ट के बाहर कैसे सिक्योरिटी है वो तस्वीर भी आपके सामने। 3 तस्वीरें बयां करती है कि हाथरस मामले को लेकर आज का दिन बेहद खास है। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने हाथरस कांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा।